नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। जैसा कि आपको दोस्तों पता है, इस समय लेखपाल की भर्ती परीक्षा की तिथि आ चुकी है, जो आपकी तिथि है 19 जून। आपको लेकिन पता है, अभी हाल ही में क्या, अभी 2 घंटे पहले सुरेश खन्ना जी ने एक ट्वीट किया है। सुरेश खन्ना जी, आपको पता है, जो राज्य के मंत्री हैं आपके, उन्होंने एक ट्वीट किया है। तो जो अगर वो ट्वीट करेंगे वो आधिकारिक ही होगा। उस ट्वीट में खबर आई है कि 4000 प्लस पदों पर, 4000 प्लस लेखपाल के पदों पर भर्ती जल्द, इतना लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, इतना लिखने के बाद कई कन्फ्यूजन तुरंत अराइज हो गए। एक तो कि क्या ये जो 4000 पद हैं, ये हमारे जो पुराने नोटिफिकेशन है, पुराना जो हमारा पद है लेखपाल का, आपको पता है 8085 पद, क्या ये उनमें ही जुड़ेंगे? क्योंकि अभी इसके पहले भी एक बार न्यूज़ आई थी, मैंने आपको बनाया भी था, वीडियो बताया भी था कि आपको पता है लेखपाल के कई पद जो हैं, कई लोग जो लेखपाल पे कार्यरत थे वो प्रमोट होकर ऊपर की पोस्ट पे चले गए, तो वो सारे पद भी खाली हो गए हैं। उन सभी पदों की जो है डिमांड, वो मांग के UPSSC आयोग को दे दी गई है। तो क्या ये 8000 जो 4000 पद, ये 8085 में ही अगर ऐड होंगे? अगर ऐसा होता है तो 4000 जो है वो 8085 में ऐड होंगे, तो आपको पता है स्वाभाविक से एक बात है, वो ये है कि आपका परसेंटाइल नीचे जाएगा, क्योंकि 15 गुना से बच्चों को हम लोग सोच रहे हैं बुलाने के लिए। तो अगर 15 गुना में 8000 से, तो आपको पता है 1,20,000 समथिंग होंगे, और अगर 12,000 हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही वो और बढ़ जाएगा। यानी कि 15 गुना वाला चीज़ अगर नहीं होता है तो 6-7 लाख लोगों को बुलाया जाएगा, तो ये बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, कम से कम 8-9 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो आपको कन्फ्यूज़न होगा वो यही होगा कि पुरानी भर्ती में जुड़ेगी कि नहीं, और अगर नहीं जुड़ती है तो क्या जो नई भर्ती होगी 4000 पदों के लिए वो अलग से होगी? तो PET कौन सा एलिजिबल होगा, जो आपने दे रखा है 2021 वाला या फिर 2022 वाला? इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग आज वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि सारी जितनी भी चीज़ें आती रहें उनको आप न्यूज़ को सुन लीजिए, ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उससे कुछ तो फ़ायदा आपको मिलता ही है, लेकिन साथ के साथ आप तैयारी अपनी करते रहिए। शॉर्ट लिस्टिंग का देखिए जो तरीका है दोस्तों, आपको पता है कि 19 जून को डेट आपकी आनी है, उसके पहले जो मेन परीक्षा का आपकी फ़ीस है वो भी आपसे भरवाई जानी है। 25 रुपये आपने खाली भरे हैं, उसकी अब जो नोटिफिकेशन है वो 8 से 10 दिन में आ जाएगी। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको, 8 से 10 दिन में UPSSC के साइट पे आपको अब एक सूचना जल्द ही मिलने वाली है, आधिकारिक ऑफिशियल नोटिस आएगा जिसमें ही लिखा रहेगा शॉर्ट लिस्ट कौन कौन से कैंडिडेट हुए हैं, और उसी जगह से आपसे बात क्लियर हो जाएगी कि जो 4000 पद हैं, जो 4000 ज़्यादा पद हैं वो इसमें ऐड होंगे कि नहीं, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल नीचे जाएगा। अगर परसेंटाइल नीचे गया और ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया, इसका मतलब है कि 4000 पद भी उसमें ऐड हो गई, बताया जाएगा आपको नोटिफिकेशन में साफ साफ। और अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, दूसरी कंडीशन, तो देखिए दोस्तों, ये 8085 का जो आपका है वो सेपरेट है, और जो 4000 होगा वो आपका सेपरेट होगा। तो अगर वो सेपरेट होगा दोस्तों, तो 2021 से बिल्कुल भी नहीं होगा, वो आपका PET 2022 जो आपको पता है जिसकी डेट आ चुकी है, इसके थ्रू फिर इस लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये ऑफिशियल चीज़ है। आपको मैं देखिए जितनी भी वीडियो में कोई चीज़ बताती हूँ, हमेशा ऑफिशियल बात है, उसकी स्क्रीनशॉट या कुछ आपको दिखा देती हूँ, जैसा कि आपको अभी पीछे वीडियो में दिखा भी होगा जब मैंने बताया है। तो आप इसलिए ऑथेंटिक न्यूज़ है। अगर 4000 पद बढ़ जाते हैं और इसी में ऐड हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मतलब फिर 12-13 हज़ार अगर वैकेंसी हो गई तो लेखपाल को आपको बिल्कुल कर डालना है कैसे भी करके। हाँ, अगर नहीं होता है इस बार तो PET 2022 से फिर ये जुड़ जाएगी, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब जिन लोगों ने PET नहीं दिया है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि वो इस बार लेखपाल का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो 2022 से भर दें। लेकिन जितने लोगों ने दिया है, आप सब लोग वेट मत करिए, अब 8 से 10 दिन में ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा फॉर्म भरने का, सब कुछ पता चलने का। तो बस तब तक आप लोग क्या करिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, उसमें बिल्कुल भी डिले मत करिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी मैं आपको लिंक में दे रही हूँ। वहाँ मैंने आपको ग्रामीण समाज की, अरिहंत की, चक्षु पब्लिकेशन की, घटना चक्र की, इन सब की PDF फ्री प्रोवाइड की हुई है। बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी, वीडियो वगैरह के मॉक टेस्ट भी वहाँ पे देते रहते हैं। तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए, आपको जो भी चीज़ लगेगी फ़ायदेमंद आपके, आप उसको यूज़ करिएगा। धन्यवाद।